टेंथ क्लास साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ कन्वैक्स मिरर। कन्वैक्स मिरर आ कितने वरते जाते हैं? ये ज़्यादातर स्कूटर मोटरसाइकिलों की पिछली ट्रैफिक नूं देखने लिए वरते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एरिया घेरते हैं, बैक साइड की ट्रैफिक का पता लग जाता। एक इमेज इन्हों का सीधा बनता, इरैक्ट बनता और डिमिनिश्ड बनता, जिदे नाल ये हुंदा भी ड्राइवर नूं पिछली आ रही ट्रैफिक का पता लग जाता है। नैक्सट क्वेश्चन आंसर आ पेज 168 है। लो पहला क्वेश्चन, डिफाइन द प्रिंसीपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। द प्रिंसीपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसीपल एक्सिस एट विच द लाइट रेज पैरल टू द प्रिंसीपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लैक्शन। अब पैरल रेज आ रही ने, इनफिनिटी तो भी आ रही हो सकदियां ने, जदों ये पैरल स्ट्राइक करदियां ने कनकेव मिरर ते कन्वर्ज करके जिथों पास हुंदियां ने उस पॉइंट नूं कह दिंदे आ प्रिंसीपल फोकस। एफ इज द प्रिंसीपल फोकस। इहदा डेफिनेशन लिख के नाल फिगर बना देनी है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर आ, फोकल लेंथ कढ़नी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इथों लैके आ दूरी आ पी तक, आ पी आ पोल तक। एफ आपां मिड पॉइंट लगाया सीगा, इहदा मतलब आर टू एफ दे बराबर हो गया। आ एफ है, इन्नी दूरी नूं आपां एफ कह दिंदे फोकल लेंथ। इहनूं डबल कर दिओ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जांदा। इहनूं इहनूं ब्रीफ आर लिख दिंदे, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दा मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आ। आर इक्वल टू 2f, आर दी वैल्यू 20 है, 20 इक्वल टू 2f, ते 2 नूं नीचे लै जाओ, इहनूं कट दिओ, 2 दा 20 10। एफ इज इक्वल टू, हम सीधा करके लिख दे, एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओ मिरर दा नाम दसना, द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कनकेव मिरर। लो देखिए किस तरह, जे तो क्वेश्चन नंबर एक नंबर का ही क्वेश्चन है फिर तो सीधा ही आंसर लिख देना कनकेव मिरर। अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है फिर आप फिगर भी नाल बना देनी है। हुण ऑब्जेक्ट नूं जदों पी ते एफ दे विच रखदे आ एनलार्ज्ड इमेज बनता और वर्चुअल इमेज बनता वड्डे साइज का। कदों रखदे आ? जदों पी और एफ दे विच फिगर बनानी पएगी। इस नूं बना लेना, ये वीडियो नंबर 543 दे विच मैं एक्सप्लेन किया। तो आंसर इदा लिखना ना, वैन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ इन कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, सीधा वर्चुअल। इसे स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता क्योंकि रेज एक्चुअल मीट नहीं ना कर रही, अपीयर टू मीट एंड लार्ज इन साइज, तो बड़े साइज का बढ़ेगा। ये पूरा आंसर आ गया नाल फिगर, अगर ज्यादा मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी प्रेफर कन्वैक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन वहीकल्स। असी कन्वैक्स मिरर नूं क्यों प्रेफर करते हैं? जिदा गड्डिया दे विच पिछली ट्रैफिक नूं देखने लिए बार बार लगा हुंदा ना, कारां दे भी, स्कूटर मोटरसाइकिलों ते भी लगाया हुंदा, ट्रकां ते भी बार बार, तो कन्वैक्स मिरर लगा हुंदा। कन्वैक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन वहीकल्स बिकॉज इट गिवज एन इरेक्ट, इरेक्ट मैंने सीधा, एंड डिमिनिश्ड मैंने छोटे साइज का। आल्सो इट हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर मैंने ज्यादा फील्ड, ज्यादा पिछे ट्रैफिक नजर आती, एरिया ज्यादा कवर करता। एज इट इज कर्वड आउटवर्ड, क्योंकि आउटवर्ड कर्वड हों, करव यदि आउटवर्ड इदा देखो इस तरह करव है, ये कड़ा है कन्वैक्स मिरर। दस कन्वैक्स मिरर एनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। इतना फिर जो ड्राइवर है ओनू पिछे ज्यादा एरिया नजर आंदा, जिहड़ी पिछे ट्रैफिक आ रही हुंदी है। आ कन्वैक्स मिरर है, हुण आ पिछली ट्रैफिक आया ऑब्जेक्ट जिस तरह बनाया, तो होर ट्रैफिक भी हो सकती है, बसा कार आ रही हुण, तां ड्राइवर दी पोजिशन लगभग फोकल लेंथ दे लागे बैठी हुंदी, उहनू सैट कर लैंदा जिहड़ा कन्वैक्स मिरर आ, क्योंकि बार बार उहदी सैटिंग हो जाती है, तो फिर ट्रैफिक का जिहड़ा इत्थे इमेज बनता वह उहदे नज़दीक बनता, जिहदे नाल उह अपनी अखां नाल देख लैंदा। हुण इमेज छोटा बन रहा है तो मतलब जिहड़ा पिछों जिहड़े वाइडर ट्रैफिक आ उहदा पता लग जाता, वह एरिया ज़्यादा ट्रैफिक का पता लग जाता भी कितने किन्नियां क गड्डियां पिछों आ रही ने।
लो एक बार फिर नजर मार लो क्वेश्चन दे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, 3, ये है 4 क्वेश्चन, इस तरह लिख लेने तुसी।